हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी एक दिन बाद यानी कि 10 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। उससे पहले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई जिसमें चुनिंदा लोगों को फिल्म दिखाई गई। इन्हीं चुनिंदा लोगों में फिल्म की लीड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मम्मी पापा भी शामिल रहे। दोनों ने कंगना की फिल्म देख ली है और बेटी की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखकर दोनों खुले नहीं समा रहे हैं। इसकी जानकारी खुद कंगना ने दी है। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी में एक तस्वीर साझा की जिसमें उनके पेरेंट्स फिल्म देखकर बाहर आए और विक्ट्री साइन दिखा रहे। कंगना ने लिखा, थलाइवी फिल्म देखने के बाद मम्मी और पापा ने कहा कि 5वें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बधाई हो। यानी दोनों को कंगना की परफॉर्मेंस बेहद दमदार लगी है। पेरेंट्स ने बता दिया कि कंगना को फिल्म के लिए एक और नेशनल अवार्ड मिलेगा। बता दें, थलाइवी साउथ की जानी मानी राजनेता और तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की बायोपिक है। ये फिल्म 10 सितंबर को सिर्फ उन्हीं जगहों पर रिलीज होगी जहां स्थानीय सरकारों ने थिएटर्स खोलने की इजाजत दी है। हालांकि महाराष्ट्र में फिल्म रिलीज नहीं होगी क्योंकि वहां अभी भी कोरोना की वजह से थिएटर्स बंद हैं। कंगना ने महाराष्ट्र सरकार से सिनेमाघर खोलने की अपील की थी। थलाइवी हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु में भी रिलीज हो रही है। फिल्म का डायरेक्शन एल विजय ने किया है और इस फिल्म की कहानी बाहुबली फेम केवी विजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। बता दें, कंगना की इस फिल्म को क्रिटिक्स से भी बेहद शानदार रिस्पॉन्स मिला है। तरण आदर्श ने ट्वीट कर कंगना की फिल्म थलाइवी को पावरफुल बताया और इसे 4 स्टार्स दिए हैं। बताते चलें, कंगना की इस फिल्म की रिलीज डेट कई बार बदली जा चुकी है। पहले ये फिल्म 23 अप्रैल को रिलीज होनी थी लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद अब ये फिल्म 10 सितंबर यानी कि कल रिलीज हो रही है। रिलीज से पहले ही कंगना ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। देखने वाली बात अब ये होगी कि कंगना की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कारोबार कर पाती है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।